नमस्ते दोस्तों, आज बनाएंगे दाल तड़का फ्राई। दोस्तों, अरहर की दाल को हमने 2 से 3 बार वॉश करके कुकर में ले लिया है फ्रेंड्स। इसमें हम 2 गिलास पानी डाल देंगे फ्रेंड्स। इसमें हम आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधी चम्मच इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, और कुकर बंद करके 2 से 3 सीटी लगा लेंगे दोस्तों। यहाँ हमने अदरक लहसुन और प्याज ले लिया है दोस्तों, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे फ्रेंड्स। मैंने कढ़ाई रख दिया है गैस पे, तेल हमारा गर्म हो गया है। इसमें हींग और जीरा डाल दिए हैं दोस्तों, 1 तेज़पत्ता डाल देंगे दोस्तों, और 1 कटे हुए प्याज को हम डाल देंगे तेल में। दोस्तों, प्याज को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। दोस्तों, आप ये दाल तड़का फ्राई बिना सब्जी के भी चावल या रोटी से खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। इसमें अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट डाल देंगे दोस्तों, और कटे हुए टमाटर डाल देंगे। अच्छी तरीके से टमाटर और मसाले को मिक्स कर देंगे फ्रेंड्स। इसमें हम आधी चम्मच नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, जिससे कि हमारे टमाटर अच्छी तरीके से गल जाएं। दोस्तों, दाल में भी पहले हमने नमक डाला था, इसलिए नमक हम ध्यान से ही डालेंगे। आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर डाल देंगे, और मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। धीमी आँच पर ही मसालों को भूनेंगे फ्रेंड्स। देखिए, मसालों ने तेल छोड़ दिया है दोस्तों। फ्रेंड्स, हमारी दाल देखिए बनकर तैयार हो गई है, अच्छी तरीके से गल गई है, मसाले भी हमारे भुन गए हैं फ्रेंड्स। इसमें हम बनी हुई दाल को मिक्स कर देंगे और दाल और मसालों को अच्छी तरीके से मिला देंगे। दोस्तों, आप ये दाल चावल से खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। आप एक बार बनाकर इनको ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। दाल हमारी बनकर तैयार हो गई है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।